आज सरायकेला में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होने जा रहा है और थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद होंगे। और फिलहाल हमारे साथ है हमारे सहयोगी प्रभात। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे तो क्या सरायकेला सीएम के स्वागत के लिए तैयार है? निम्बल, देखिए सरायकेला सीएम के स्वागत के लिए तैयार है और कार्यक्रम स्थल में भी तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली गई है। देखिए ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम यहाँ लगभग 1:30 बजे के आसपास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। उनके साथ चंपाई सोरेन होंगे, आलमगीर आलम होंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी नाम दिया गया है, बन्ना गुप्ता का नाम है, सत्यानंद भोक्ता है, गीता कोड़ा है, सविता महतो है और जो इस आसपास के जो विधायक है दशरथ गगराई और संजय सेठ का भी नाम दिया गया है। तो देखिए अब ये पूरी तरीके से ये पंडाल सच के तैयार है, बस मुख्यमंत्री का आने का इंतजार है। निश्चित है मुख्यमंत्री आज लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी योजना है जो 100 बेड का अस्पताल बनना है उसका शिलान्यास करेंगे और अभिमंडल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये जितने भी हरे पगड़ी में नजर आ रहे सारे ग्राम प्रधान है जो यहाँ मौजूद है राज्य के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। निश्चित है इनका लाभ भी नहीं मिलेगा, सहयोग कहूंगा दिखाएंगे। उस बाजू में देखिए ट्रैक्टर भी लगाया गया, जो कृषक भाई है उनको ये ट्रैक्टर भी देने की योजना है इस योजना के तहत। और सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है उसके यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं कि जो लाभुक यहाँ पहुँचेंगे वो सरकार की जो योजनाएं हैं जो उनका लाभ उनको तक पहुँच सके वो सारे स्टॉल को लगाया गया है। साथ ही प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है, हर गली मोहल्ले में पुलिस बल की तैनाती की है ताकि जो कार्यक्रम है सुचारू रूप से चल सके। और काफ़ी अब धीरे धीरे पूरा जो स्टेडियम है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है पूरी तरह से खचाखच भरता नजर आ रहा होगा। देखिए यार यहाँ पे प्रशासन के लोग भी पूरी तरीके मुस्तैद है, जब राज्य के मुख्यमंत्री 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित है कि जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ आम लोगों की जाने की इजाजत है। उसके बाद जो उस एक रो और बनाया गया है जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री है और जो विधायकगण है यहाँ पहुंचेंगे और निश्चित है आज सरायकेला को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, चूंकि आपकी योजना, आपके द्वारा, आपकी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है निश्चित तौर पर यह बहुत लोगों तक, आम लोगों तक पहुँच रहा है और आम लोग इसका फायदा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम कहें अन्य योजनाओं की बात करें तो यह सबसे ज्यादा इसमें जो आपके द्वारा, आपकी योजना, आपके द्वारा, आपकी सरकार का जो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड को लेकर बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं डिंपल कि आज सरायकेला को एक बड़ी सौगात राज्य के मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है वो जो हॉस्पिटल बनना है 100 बेड के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं, अगर किसी को कुछ हो जाता तो कोल्हान का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल जो MGM जहाँ आने वाले दिनों में भी वो भी विस्तार रूप लेगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के जो विधायक है माननीय मंत्री जो चंपाई सोरेन ने उन्होंने बात रखी थी और कहीं ना कहीं आज ही सरायकेला को ये तोहफा भी मिलने जा रहा है जो अस्पताल का, साथ ही चादर मॉडल कार्य का उद्घाटन है। बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास उद्घाटन करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री जी। रूपर जी प्रभात, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सरायकेला में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और बस कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन वहां शिरकत करने वाले हैं और सरायकेला को देंगे करोड़ों की सौगात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।